Hey guys, it's Supreet. Thanks for tuning into my channel. Welcome back. And today I am back with another video, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगी स्किन केयर हॉल. और इसमें बेसिकली मैंने प्रोडक्ट्स जो लिए हैं वो है प्लम गुडनेस के और एम्थीफीन के, मामा अर्थ के. इसके अलावा हेयर एंड देयर सम अदर प्रोडक्ट्स एज वेल. इफ़ यू रियली वॉन्ट टू नो ये प्रोडक्ट्स कौन से हैं तो प्लीज़ वीडियो को देखते रहिए. बट एक चीज़ मैं पहले डिस्क्लेमर दे दूँ, ये सारे प्रोडक्ट्स जो है मैंने एक बार में नहीं लिए हैं, ये मैंने ओवर द टाइम ऑफ 2-3 मंथ्स लिए हैं. सो आप में से कई लोग ये सोचेंगे बहुत खर्चा कर दिए, तो नहीं, ये धीरे धीरे करके लिए हैं मैंने. और साथ के साथ मुझे लग रहा है आजकल की स्किन केयर पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए रादर देन योर मेकअप, बिकॉज इफ़ योर स्किन लुक्स गुड देन मेकअप की ज़रूरत ही नहीं है. मैं पहले भी एक वीडियो में बोल चुकी हूँ, दोबारा रिपीट कर दिया डायलॉग मैंने अपना. सो एनीवेज, मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये वाले प्रोडक्ट्स हैं. ये फुल बकेट जो है, बकेट नहीं, बास्केट, फुल बास्केट है प्रोडक्ट से भरी हुई. सारे के सारे बॉडी केयर स्किन केयर के ही हैं. और अगर आपको वीडियो देखने पे कुछ प्रोडक्ट यूज़फुल लगता है, वीडियो पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना. इंस्टाग्राम हैंडल है ऑफिशियल सुप्रीत कौर. तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रोडक्ट के साथ, जो कि मामा अर्थ का है. दिस इज मामा अर्थ वाइटमिन सी स्लीपिंग मास्क. इसके बारे में मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोल सकती क्योंकि मैंने इसको ट्वाइस या थ्राइस यूज़ किया है. 2-3 बार यूज़ करके मैं कुछ प्रोडक्ट के बारे में बोल नहीं सकती हूँ. बट अब मैं इसको यूज़ करूँगी और मेरे को अगर अच्छे रिव्यूज़, अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं तो आप लोगों के साथ डेफिनेटली शेयर करूँगी. प्रोडक्ट का प्राइस है 600 रुपीज़, विच इज़ डेफिनेटली ऑन द हायर साइड. बट ये आपको कोई ना कोई डिस्काउंट मिल जाता है. एंड एवरी वेंसडे आई थिंक मामा अर्थ पे अच्छी डील्स चलती हैं, तो आप चाहे तो ये डील में ले सकते हैं. सेकेंड प्रोडक्ट जो मुझे पसंद आ रहा है मामा अर्थ का, वो है उपटन फेस मास्क. ये बेसिकली स्किन ब्राइटनिंग के लिए है. इसका प्राइस 500 है, 100 ग्राम की क्वांटिटी है. इसे हफ्ते में आप 2 बार यूज़ कर सकते हैं. मैं भी इसको हफ्ते में 2 बार यूज़ कर रही हूँ. बाकी के डेज में ज़्यादातर जब भी यूज़ करती हूँ तो DIY फेस मास्क यूज़ करती हूँ, जिसकी वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, जो टैन रिमूवल के लिए है. सो अगर आप टैन रिमूव करना चाहते हैं तो वो वाला मास्क बहुत 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 बेनिफिशियल है. साथ में आप ये वाला मास्क कंबाइन करके लगा सकते हैं, मतलब कभी ये कभी वो. तो ये अच्छा मास्क है, इट्स वर्किंग गुड. आई मीन दोनों मास्क मैं कभी वो लगा लेती हूँ, मेजरली वो लगाती हूँ, कभी कभी ये लगाती हूँ, तो टैन रिमूव हो रही है धीरे धीरे करके. एंड आप भी चाहो तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं. उसके बाद अनदर प्रोडक्ट जो है मामा अर्थ का, मैं आपको आई वॉन्ट टू शो यू प्रोडक्ट्स ब्रांड वाइज, इसलिए मुझे थोड़ा सा ढूंढने में टाइम लग रहा है. ये है उपटन फेस सीरम. अगेन इसका प्राइस 500 है. और सही बताऊँ तो मैंने ये 5-6 बार यूज़ किया और 5-6 बार में यूज़ करके तो मुझे कोई इतना कोई खास चमत्कारी सीरम नहीं लगी. ये इसमें टर्मरिक एंड सेफ्रन है, स्किन ब्राइटनिंग के लिए है. इससे बेटर मुझे सीरम लगती है लॉरियल की, जो हाइलोरॉनिक एसिड वाली सीरम है. इट्स दी बेस्ट सीरम अकॉर्डिंग टू मी. वो डेफिनेटली वर्थ इन्वेस्टिंग है. ये उतना अच्छा नहीं लगा मुझे, बट इसका 30 ml क्वांटिटी है एंड प्राइस 500 है. अगेन आप इसको डिस्काउंट पे ले सकते हैं, तो आप चाहे तो ट्राई करना चाहते हैं तो ट्राई कर सकते हैं. नेक्स्ट मैं आप लोगों को ऐसी रैंडम प्रोडक्ट दिखा देती हूँ, डाबर बादाम तेल. मैंने अपनी मॉर्निंग रूटीन में यूज़ करना शुरू किया है फॉर माय आईब्रोज. आप चाहो तो उसको हेयर के लिए भी यूज़ कर सकते हो, किसी करियर ऑयल में मिक्स करके, लाइक कोकोनट में या कोई और ऑयल में. अकेला लगाओगे तो थोड़ा हैवी हो जाता है हेयर के लिए, तो इट्स गुड. प्योर है ये बादाम का तेल, तो इट्स गुड. जस्ट वॉन्ट टू शो यू कि मैंने ये लिया है अभी रिसेंटली. इसके अलावा जो मैंने लिया है वो है प्लम के कुछ प्रोडक्ट्स, जैसे कि ये प्लम का क्लेंजिंग बाम है. पहले मेरे पास उसका मिनी साइज था, वो मुझे किसी के साथ मिला था, तो मैंने वो थोड़ा सा यूज़ करके देखा है ना. आई रियली फाउंड आउट कि मेकअप को उतारने में बहुत ईजिली, मतलब इसके लिए कोई बड़ी बात ही नहीं है, आराम से जो मेकअप बहुत स्टबन होता है उसको भी ईजिली से मेल्ट कर देता है. और मेकअप को फिर आप मेल्ट करने के बाद, आप चाहो वाइप करने के बाद फेस वॉश कर लो. सो ये प्राइस इसका 545 है और इसकी क्वांटिटी आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, बट 100 ग्राम्स के अबाउट है. मैं स्क्रीन 90 ग्राम्स है और मैं वैसे स्क्रीन पे भी लिखती जाऊंगी. सो इफ़ यू रियली वांट टू इन्वेस्ट इन सम गुड क्लेंजिंग बाम, माइसिलर वाटर से बोर हो गए हो या माइसिलर वाटर से भी इफेक्टिव कुछ चाहिए, तो आप इस क्लेंजिंग बाम में इन्वेस्ट कर सकते हो. इट्स वेरी वेरी गुड, इट्स डेफिनेटली माई रिकमेंडेशन, वेरी वेरी गुड. आप चाहो तो पहले छोटा वाला ट्राई कर लो, 9900 बिलो में आ जाता है वो. सो ये हो गया. इसके अलावा मैंने जो प्लम का लिया है वो है ये प्लम का बॉडी लविंग बॉडी बटर इन द
फ्लेवर उपसी डेजी, फ्रेगनेंस इज गुड, ठीक है फ्रेगनेंस, बहुत अच्छी नहीं लगी मुझे बट ठीक लगी है। उपसी डेजी का शावर जेल जो है वो मुझे बहुत पसंद आया था, बट बॉडी बटर की फ्रेगनेंस इज ओके। मैंने अभी इतना कोई ज़्यादा यूज़ नहीं किया, एक आधा दिन मैंने हैंड्स पे लगा के देखा था, थोड़ा थिक है बट बॉडी बटर्स होती ही थोड़े थिक है, आई थिंक वो अच्छी विंटर्स के लिए होते हैं, जब बहुत विंटर्स ज़्यादा होती हैं स्किन आपकी बहुत ड्राई हो जाती है तो ये बहुत हेल्पफुल रहते हैं। तो ये मैंने बेसिकली विंटर्स को ध्यान में रख के लिया है और इसका जो प्राइस है इट्स फॉर 525 रुपीज़। एंड ये अगेन कोई ऑफर चल रहा था प्लम पर, बोगो ऑफर चल रहा था, बोगो मीन्स बाय बोगो नहीं सॉरी बी टू जी टू ऑफर, बाय टू गेट टू ऑफर। सो ये वन ऑफ द प्रोडक्ट्स जो मैंने उस टाइम पे लिया था, उपसी डेजी बॉडी बटर फ्रॉम द प्लम। प्लम का एक अनदर प्रोडक्ट विच वॉज अ बिग 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 हिट फॉर मी इज द प्लम सनस्क्रीन जेल। क्वांटिटी तो बहुत थोड़ी सी है, 50 ml है, प्राइस बहुत ज़्यादा है 575, बट दिस इज अमेजिंग हाउ लाइट इट इज़, नॉन स्टिकी, एंड मतलब इतना लाइट है, नॉन स्टिकी और ईजिली ऑब्जर्व हो जाता है आपकी स्किन में, पता भी नहीं चलता, और आप मतलब प्रोटेक्शन भी बहुत अच्छी देता है। तो ट्रिपल पीए ट्रिपल प्लस है, SPF 35 है, ग्रीन टी है इसमें, तो डेफिनेटली कोई ऑफर चल रहा हो तो इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहले मैंने ट्रायल साइज लिया था इसका, किसी में मिला था मुझे याद नहीं किसमें मिला था, तो वो यूज़ करने के बाद ही मैंने फुल साइज लिया एंड आई एम रियली इन्जॉइंग दिस प्लम का सनस्क्रीन जेल। देख सकते हैं इतना शायद आधा रह गया, इतना सही रह गया, उनको थोड़ा सा दिख रहा है। एनीवेज ये थे प्लम के प्रोडक्ट्स। इसके अलावा मैं रैंडम प्रोडक्ट आपको दिखाती हूँ, ये है निव्या का बॉडी लोशन। अगेन अब सर्दियाँ आने वाली हैं तो बॉडी लोशंस, बॉडी बटर्स ये सब की जरूरत तो पड़ने वाली है, और थोड़े थिक वालों की पड़ने वाली है। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइसेज, एक्चुअली मेरा रूम जो है वो थोड़ा सा रोड के साथ में लगता है, तो जो कुछ भी कोई भी व्हीकल क्रॉस करता है तो वीडियो में वॉइस आ जाती है, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, आई कैन नॉट हेल्प इट। अगर मैं रात को शूट करूँ तो ये इसका सोल्यूशन है, बट रात को भी कुछ ना कुछ क्रॉस कर ही जाता है बिकॉज मेन रोड है पीछे। तो ये है ड्राई स्किन के लिए, और विंटर्स में मेरी स्किन बहुत ड्राई हो जाती है तो उसके लिए ये बहुत अच्छा है। लेवेंडर वाला फ्लेवर है और फ्रेगनेंस इसकी सेम, बिकॉज आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ लेवेंडर। ये कोई स्कीम चल रही थी तो मैंने ये ले लिया, इसके साथ एक क्या कहते हैं अंडर आर्म जो रोल ऑन होता है वो, और इसके साथ शायद एक आध और निविया की चीज़ थी साथ में, एक मेकअप निविया की मेकअप किट फ्लारी सी फ्री मिल रही थी। मेकअप किट अगर देखना चाहते हैं तो लिपस्टिक वाली वीडियो मेरी देख लीजिए जिसमें मैंने लिपस्टिक कलेक्शन शो की है ना, उसमें जो फ्लारी सी किट में मैंने लिपस्टिक्स रखी हुई हैं बहुत सुंदर सी, उसके साथ ये मिला था बेसिकली, उसके साथ ही इसके साथ वो मिला था या जो भी कह लो कॉम्बो में मिला था। सो इट वॉज वेरी ब्यूटिफुल किट, बट ये अभी मैं यूज़ करूँगी तो बता पाऊँगी, मैंने अभी यूज़ करना नहीं शुरू किया है। इसके अलावा जो प्रोडक्ट्स मैंने जिसके बारे में बहुत एक्साइटेड हूँ वो है एम कैफीन के प्रोडक्ट्स। मैंने तकरीबन 6 प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए और मुझे कुछ मिनीज फ्री भी मिल गए, तो आई विल स्टार्ट विद दिस प्रोडक्ट। बहुत टाइम से मैं एम कैफीन के प्रोडक्ट्स यूज़ करना चाहती थी तो फाइनली मैंने ऑर्डर कर लिए। अब एम कैफीन का ये लिया था कॉफ़ी फेस मास्क, मैंने एक ही बार यूज़ किया है तो एक बार में मैं कुछ ज़्यादा बता नहीं सकती, बट द फ्रेगनेंस इज़ वेरी गुड, इट्स लाइक कॉफ़ी, बहुत अच्छी फ्रेगनेंस थी। तो ये बहुत ही अच्छा मतलब फ्रेगनेंस वाइज प्रोडक्ट है, बाकी रिजल्ट्स मैं आपको बताऊँगी, रिव्यूज़ तो बहुत अच्छे थे, मेरे क्या रिजल्ट्स हैं वो मैं आपको बताऊँगी अपकमिंग वीडियोज़ में। सो ये है पहला प्रोडक्ट एम कैफीन का जो मैंने लिया। प्राइस इसका ज़्यादा है ऑब्वियसली, इट्स फॉर 575 रुपीज़, 100 ग्राम का प्रोडक्ट के लिए 575 रुपीज़, बट अगेन मुझे इसमें ऑफर में मिला बोगो ऑफर, दैट इज़ बाय वन गेट वन ऑफर। सो दिस इज़ वॉट द फर्स्ट एम कैफीन प्रोडक्ट आई गॉट फॉर माई सेल्फ। इसके अलावा ये है एम कैफीन की अंडर आई क्रीम, ये अगेन मैंने एक बार यूज़ की, अभी तक ज़्यादा नहीं यूज़ करी, ज़्यादा दिन नहीं हुए इसको आए हुए प्रोडक्ट्स को, तो मैंने अभी तक इनको यूज़ करना शुरू नहीं किया। इसके साथ में एक रोल ऑन सा मिला है जिससे आप अपनी आईज़ के अंडर मसाज कर सकते हैं। सो अगेन इसको यूज़ करके बहुत रिलीफ सा फील हुआ था, बट लॉन्ग टर्म में क्या इसके रिजल्ट्स हैं ये मैं अभी नहीं बता सकती। इसके अलावा जो और एम कैफीन के 2 प्रोडक्ट्स हैं वो भी मेरे को रिसीव भी नहीं हुए, सही बताऊँ तो एक्चुअली ऑर्डर किए हुए मुझे ऑलमोस्ट 1 वीक हो चुका है, बट वो ऑर्डर समहाउ कैंसिल हो गया, फिर मैंने कस्टमर केयर पर बात की तो दोबारा से ऑर्डर वही जनरेट करवाया, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। तो वो है कॉफ़ी वाली फेस वॉश और एक कॉफ़ी का फेस स्क्रब, डेफिनेटली जब आएगा तो आई लेट यू नो। इसके साथ मुझे कुछ मिनीज फ्री मिले थे, नॉट विद दिस पैक, वो मिला है मुझे, 2 और चीज़ें मैंने मंगवाई हैं उसके साथ। तो मिनीज वाले ये छोटू से पाउच में क्या क्या है लेट्स सी, ये फ्री में मिला है, मैंने बाय नहीं किया। सबसे पहले तो ये चीज़ मैं बहुत टाइम से ट्राई कर रही थी, बट मैं ट्राई करना चाहती थी बट मैं ले नहीं पाई बिकॉज
बहुत खर्चा ऑलरेडी हो गया था, तो ये है कॉफ़ी फेस स्क्रब, बॉडी स्क्रब, छोटू सा पैक है, बहुत क्यूट है, बट इसके बाद में बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनी है, मतलब सो मैनी वंडरफुल थिंग्स आई हैव हर्ड अबाउट इट एंड आई रियली वॉन्ट टू यूज़ इट एंड लेट यू नो हाउ इट वर्क्स. तो टैन रिमूवल वगैरह में या स्किन को सॉफ्ट बनाने में, सपल बनाने में हेल्प करेगा. ये है बॉडी पॉलिशिंग ऑयल. अगेन आई वॉज वेरी एक्साइटेड जब मैंने ये देखा कि बॉडी पॉलिशिंग ऑयल भी मिला है, तो बॉडी ग्रेडियंट सी, सुंदर सी, रेडियंट सी दिखेगी ना ये ऑयल लगा के, तो अच्छा लगेगा, तो आपको डेफिनेटली बताऊँगी. और तीसरा प्रोडक्ट अगेन बॉडी बटर, कॉफ़ी बॉडी बटर, जिसकी फ्रेग्रेंस भी कॉफ़ी जैसी होने वाली है. मैंने खोल के नहीं देखा अभी, खोल के देखूँ क्या, बट इसलिए आपके सामने ही खोल के देख ली ना कि ये जो रैप लगा हुआ है ना, इसको उतारना बहुत बड़ा पंगा होता है. मतलब ऐसे लग रहा है जैसे मैं कोई बेकरी शॉप में हूँ और कॉफ़ी फ्लेवर की कोई चीज़ देख रही हूँ. क्या मेरे नोज़ पे लगी है? सो गुड, डेफिनेटली मैं इसको फुल साइज़ बाय करूँगी. दिस कॉफ़ी बटर, बॉडी बटर, चोको बॉडी बटर हो, सो गुड. ये हो गए मेरे मिनीस. इसके अलावा अब दो, सॉरी कैमरा हिल गया था, दो ऐसी चीज़ें हैं जो डिलीवर हो गई हैं, जो लास्ट में मैं सेव करके रखा हुआ था आपको दिखाने के लिए. मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है, बट मैंने इनको यूज़ करने का प्रोसीजर नेट से देख लिया है और बहुत टाइम से मैं चाहती थी मैं इनको लूँ, क्योंकि मेरा फेस थोड़ा सा पफी सा है, वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम मुझे रहती रहती है. तो ये है एम कैफीन का फेस टूल्स, फेशियल टूल्स. कैसे खुलता है भाई, इधर से. तो ये है जेड रोलर. माय गॉड, है ना सुंदर, है ना. ये है सुंदर, नहीं मतलब काम भी अच्छा करता है मैंने सुना है, बाकी यूज़ नहीं किया, जब कर लूँगी तो बताऊँगी. ये है इसका गुशा, गुशा बोलते हैं ना आई थिंक इसको, हाँ गुशा पता जो भी बोलते हैं. चाइनीज़ एक्चुअली टूल है, चाइनीज़ अपने फेस पे इसको यूज़ करते हैं. एनीवेज ये बेसिकली जॉ लाइन वाली पफीनेस, जिसमें ये डबल चिन है और फेस पे अंडर आइज़ को कोई पफीनेस हो जाती है, यहाँ पर पफीनेस हो जाती है, तो इंस्टेंट रिजल्ट देने में भी हेल्प करता है मैंने सुना है. और डेली यूज़ करो तो आपका फेस काफ़ी स्कल्प्टेड हो जाता है. तो यूज़ करूँगी, अब देखूँगी कितना यूज़ करती हूँ, बट एनीवेज ये दोनों चीज़ें भी मैंने ली हैं एंड आई एम टू एक्साइटेड फॉर दीज टू थिंग्स. इसको जब यूज़ कर लूँगी तो अब एक वीडियो भी बना दूँगी कि मैं कैसे इनको यूज़ कर रही हूँ, कैसे रिजल्ट्स मुझे मिल रहे हैं. तो ये था मेरा आज का हॉल, और अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ एक लाइक तो ठोक दो ना, एक लाइक कर दो. और दैट्स इट गाइस, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय, लव यू.